स्विफ्ट कोड कैसे पता करें? जी हाँ फ्रेंड्स, पता क्या है, जब हम एक नया एडसेल्स अकाउंट बनाते हैं, एडसेल्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जब वहाँ पर हमारा डॉलर बनना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर होता क्या है, जब हमारा $100 कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है एड पेमेंट मेथड का। जब हम उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें अपनी जो बैंक की डिटेल है उसे डालना होता है, जो भी अपना बैंक अकाउंट है, IFSC कोड है, सब चीज़ वहाँ पर हमें फिल करना होता है। तो वहीं पर एक ऑप्शन रहता है स्विफ्ट कोड का, और जब तक हम स्विफ्ट कोड नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब ये स्विफ्ट कोड है क्या चीज़ और ये कहाँ से हमें मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो भी बैंक होती है, तो हर बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है, हर क्षेत्र का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है। तो आज के शोरूम में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हम अपने बैंक का, अपने क्षेत्र का स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी ही सिंपल तरीके से आप जो किसी भी बैंक का और किसी भी क्षेत्र का जो है स्विफ्ट कोड निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, हालांकि आप इसे अपने जो ब्रांच होते हैं बैंक की, वहां भी जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जो ब्रांचेस होती है, बैंक की जो ब्रांच होती है, वो ब्रांच खुद जो है प्रोवाइड करा देती है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन पर जो है ये हमें प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो इस कंडीशन पर क्या होता है, लोग फंस जाते हैं, अब हम क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हम किसी भी बैंक का और किसी भी क्षेत्र का जो है जो स्विफ्ट कोड है उसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, बस आपको इस वीडियो को आंखें देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका टेच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही घंटे को भी दबा लीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन करनी, देख सकते हैं मैं यहाँ पर ओपन किया अपना क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च पर आ जानी है, और यहाँ पर आपको जिस भी बैंक का स्विफ्ट कोड निकालनी है फिर पता करनी थी, इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मान के चलिए मेरा जो बैंक है वो है SBI, ठीक है फ्रेंड्स, मैं लिखूँगा SBI, ठीक है फ्रेंड्स, SBI। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्विफ्ट कोड SWIFT, स्विफ्ट CODE, ठीक है फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि जिस भी जगह का आपको जानना है, जैसे कि मेरा जो ब्रांच आता है वो रायपुर आता है, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो SBI का जो ब्रांच आता है वो आता है रायपुर, तो मैं सिंपली यहाँ पर रायपुर टाइप किया हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं आपको उस जगह को यहाँ पर डाल देनी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर बिलासपुर डाल देते हैं, बिलासपुर इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले लिखना है SBI, और इसके जगह में अगर आपको मान के चलिए आपका बैंक HDFC का है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको SBI की जगह पर क्या लिखना है, HDFC लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। HDFC लिखने के बाद आपको स्विफ्ट कोड लिखनी है, और यहाँ पर जिस भी जगह का आपको चाहिए उस जगह को आपको डाल देनी है, मतलब आपका जो बैंक है वो जिस भी ब्रांच के अंतर्गत आता है उस ब्रांच को यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद सिंपली आपको करना क्या, सर्च पर क्लिक करना है इस तरीके से, देख सकते हैं, फिर यहाँ पर टॉप में आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया स्विफ्ट कोड, इस तरीके से स्विफ्ट कोड आ गया, देख सकते हैं, जो कि है बिलासपुर का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे टॉप पे आपको दिखा देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर स्विफ्ट कोड लिख करके आ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मेरा तो रायपुर है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, इसे रायपुर डाल दूँगा इस तरीके से, क्योंकि बिलासपुर मेरा नहीं है, मेरा है रायपुर, रायपुर इस तरीके से, देख सकते हैं SBI स्विफ्ट कोड रायपुर, मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करता हूँ, और यहाँ पर फटाक से आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हमारा स्विफ्ट कोड रायपुर का, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा आ रहा है स्विफ्ट कोड, और यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाला भाग दिख रहा है सिर्फ यही हमारा स्विफ्ट कोड, बस इतना ही हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, बाकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी बैंक का, किसी भी जगह का जो है स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि मान के चलिए मुझे HDFC बैंक का निकालना है, तो सिंपली हमको करना क्या होगा, जो SBI लिखा है हम इसको काट देंगे SBI को, और यहाँ पर हम डाल देंगे HDFC बस, और स्विफ्ट कोड और रायपुर आपको जहाँ के भी चाहिए वहाँ का आप डाल सकते हैं, मैं रायपुर की चाहिए तो रायपुर के मैं डाल देता हूँ, और सिंपली अगर मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूँ, और सर्च पर क्लिक करते जो सबसे पहले नंबर पर जो लिंक आ रही इस पर हम क्लिक करते हैं इस तरीके से, और हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मिल जाएगा स्विफ्ट कोड, और सिंपली यहाँ पर हम क्लिक टू कॉपी कर क्लिक करके हम इसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान देनी है कि सबसे फर्स्ट हमें आपका रहेगा जो भी बैंक है वो रहेगा, उसके बाद आपको लिखना है स्विफ्ट कोड, और लास्ट हम रहेगा आपको जिस भी ब्रांच का चाहिए, रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली, कोलकाता, जहाँ के भी चाहिए आपको यहाँ पर उसका नाम डाल देनी है जगह का। इसके बाद सिर्फ आपको सर्च करनी है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो भी आप बैंक सर्च करेंगे उसका स्विफ्ट कोड आ जाएगा फ्रेंड्स इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस समस्या के भी समाधान कर पाऊँ फ्रेंड्स।
तो वीडियो तो आपने देख ली है, अब वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबा दो। यार ये तो बिल्कुल फ्री है, अब भी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबाओ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। आपको तो पता ही, वीडियो को लाइक करने से हमारा जो हौसला है वो बढ़ जाता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। कोशिश करूंगा आपके डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो पर नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।